हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 8.3 एक्सरसाइज, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में था, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट किए थे। आज हम जो हमारे बचे हुए तीन पार्ट हैं, पार्ट सी, डी और ई, इन तीन पार्ट्स को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अंत तक देखना है, जब तक आपको ये समझ ना आ जाए। तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ ना आए तब तक देखना है। तो इसके अंदर हमारा एक नया कंसेप्ट आएगा हाफ ईयरली का। इससे पहले जो दो हमारे सम आए थे, उनमें हमने क्या किया था कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होता था। एनुअली मतलब कि एक साल के बाद हमारा वो कैलकुलेट होता था। ठीक है, मतलब वो 12 महीने में एक बार कैलकुलेट होता था। अब हमारे पास वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, जो हमारे सम है। हाफ ईयरली मतलब कि 6 महीने में, 6 मंथ्स के अंदर वो एक बार कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 महीने बचेंगे उसमें दोबारा फिर वो कैलकुलेट होगा। इट मीन्स कि एक साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। हाफ ईयरली का मतलब ही यही है कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं 6-6 महीने के, इसलिए 2 बार कैलकुलेट होगा। अगर इसके इसी क्वेश्चन में अंदर के अंदर वो हमको बोल देता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो वो 3-3 महीने के बाद कैलकुलेट होता रहेगा, मतलब ऐड होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक बेसिक बातें बताई थी, उसके अंदर हमने आपको हाफ ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बताया था कि जब ये हाफ ईयर और क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को ही चेंज करते हैं। प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है, और इनको चेंज हम कैसे करते हैं वो भी हमने आपको बताया था। जैसे हम अगर हाफ ईयर कैलकुलेट करते हैं तो टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं। हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड कराते हैं। अगर हाफ ईयर है तो 2 से हम इसको डिवाइड कराएंगे, ठीक है, और क्वार्टर है तो 4 से। तो ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास, इसी को हमें ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे हमारे सम हो जाएंगे। और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करना है हमें, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सब कुछ हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा, उसको अच्छे से रीड करके तब सम को स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसका सी, डी और ई पार्ट हमारे एक जैसे हैं, हाफ ईयरली कैलकुलेट होते हैं। तो देखें एक बार जो स्टेटमेंट है क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें, एक तो अमाउंट कैलकुलेट करना है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सी आई कैलकुलेट करना है। ओन रुपीज 62,500 रुपीज, इतने रुपये पे कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया 62,500 रुपीज फॉर 1.5 ईयर। तो ये 1.5 ईयर हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है एट 8% पर एनम। और 8% पर एनम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी को 100 रुपये इंटरेस्ट पर देते हैं तो उसके बाद हमें 8 रुपये, अगर हम किसी को 100 रुपये देते हैं, ठीक है, तो वो हमें 8 रुपये 100 रुपये पे इंटरेस्ट के तौर पे देगा। ठीक है भाई, 100 रुपये पे 8 रुपये, वो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, की जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो कैसे निकाल के देगा, वो 8 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, वो 100 रुपये पे कितना। ठीक है, एनम हाफ ईयर्स, और वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हाफ ईयर्स में कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ आ गई, हमने एज डिज उठा के लिख दी, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, टाइम पीरियड आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मैंने यहाँ पे पी डॉट ए डॉट लिखा पर एनम, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा कि भाई ये हाफ ईयर कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली। तो हमने आपको बता ही रखा है टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिवाइड होगा। वो डिपेंड करेगा कि हाफ ईयर है या क्वार्टर है। हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली जुड़ता है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ ईयर तो मतलब 2 ही होते हैं, तो कितना था हमारे पास 8% पर एनम था, तो हमने उसको 2 से डिवाइड करके r बाई 2 की वैल्यू निकाल दी, 4% पर हाफ ईयर। तो आपको ये जो वर्ड है ना यहाँ पे ये जरूर लिखना है, पर हाफ ईयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 4% पर हाफ ईयर। ऐसे ही हम फिर टाइम पीरियड निकाल देंगे, क्योंकि अब ये एक साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू, तो हमारे पास
ये एक मिक्स फ्रैक्शन है 3/2 ईयर्स, इसको हम चेंज करके 3/2 ईयर्स बना लेते हैं। तो इसको हम नया आर डैश भी लिख सकते हैं और इसको हम नया टी डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको फॉर्मूला कराया था उसके अंदर आर बाय टू और टू आर टू टी की फॉर्म में ही कराया था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर बच्चों हमारे पास हाफ ईयरली अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या पी इंटू वन प्लस आर अपॉन टू इंटू हंड्रेड रेस टू द पावर टू टी। तो यहाँ से हमने आर अपॉन टू की वैल्यू निकाल रखी है और टू टी की वैल्यू निकाल रखी है। आर अपॉन टू की वैल्यू क्या है 4% है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी। टू टी की वैल्यू कितनी है 3 है, डायरेक्ट पुट कर दी। अब इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बच्चों। 4 और 100 है, हम इसको कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके अपॉन में 25 आ जाएगा, फिर हम इसको आगे देखेंगे। तो हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि हम लास्ट में चाहते हैं कि भाई 0 आए और उसमें हम डायरेक्ट डेसिमल लगा दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम लिया 100 इंटू 1 प्लस 4 104 अपॉन 100 रेस टू पावर 3, इसको हमने 3 टाइम्स लिख लिया। फिर इन दो जीरो से हमने दो जीरो कैंसिल आउट कर दी, फिर हमारे पास ये आ गए 625 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104, तो हमने इसकी पूरी की मल्टीप्लाई कर ली। तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसमें से हमारे पास ये चार जीरो से यहाँ पे चार जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास ये बचता है 70,304 रुपीज़। अब ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट मतलब कि हमने 62,500 रुपीज़ पे 8% पर एनम के अकॉर्डिंग 1.5 ईयर से, जो हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, किसी को दिए थे वो हमको डेढ़ साल के बाद इतने रुपए देगा 70,304 रुपीज़। तो ये हमारे इससे एक्स्ट्रा है जो हमने यहाँ पे उसको दिए थे। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आता है हमारे पास, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वही हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ए माइनस पी। अमाउंट यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर रखा है, पी हमारे पास लिखा है, सोल्व किया हमने सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया हमारे पास 7,804 रुपीज़। ये सभी काम आपको आता है, तो थोड़ा सा आपको बस यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जब हमारे पास इन दो चीज़ों में, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टाइम पीरियड में, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली में 2 आएगा हमारे पास, 2 से हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किस किस को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, रेट हमेशा डिवाइड होगी, टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाफ ईयर है तो 2 से हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 से हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है आर बाय टू और टू टी, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे हाफ ईयरली या हाफ ईयर लिख के इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, अमाउंट आ जाएगा, पी को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह के हमारा इसका डी और ई पार्ट है, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, तो दोनों हमारे ऐसे ही हैं, आपको अपने आप कर लेने हैं डी पार्ट और ई पार्ट। देखें क्या बोलता है वो हमारे को, रुपीज 8,000 फॉर वन ईयर एट 9% पर एनम। अब की बार हमारे पास कितने पैसे आ गए, 8,000 रुपये आ गए, ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमारे को कितना, 9% पर एनम। टाइम पीरियड दे रखा है वन ईयर, पीआरटी आ गया हमारे पास। इसके बाद पूछता है भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो आर को चेंज कर देंगे, 9/2 पर हाफ ईयर आ जाएगा। टी को चेंज कर देंगे 2/1, 2 हाफ ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ऐसे ही कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास इसका ई पार्ट आता है, रुपीज़ 10,000। अब 8,000 के प्लेस पर कितना आ गया, 10,000 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर वन ईयर टाइम पीरियड कितना आ गया, वन ईयर आ गया, वन ईयर को हम चेंज करके टू हाफ ईयर बना लेते हैं। फिर इसके बाद 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, इसको हम हाफ ईयरली में चेंज करके 4% पर हाफ ईयर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है और सारा काम कंप्लीट करके नोटबुक में लिख के पीडीएफ बना के मेरे पास पर्सनली सेंड कर देनी है। अब बच्चों आपका 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छे से तैयारी करना, जो हमारा काम हाल फिलहाल में कंप्लीट होगा उसी का हम टेस्ट लेंगे। तो आपको कंप्लीट काम करके नोटबुक मेरे की जो पीडीएफ बनाओगे आप लोग मेरे पास पर्सनल नंबर पर सेंड कर देनी है।